मिर्ची तड़का में आपका स्वागत है। आज मैं आलू पालक बनाने जा रही हूँ। देसी मिर्ची तड़का में बहुत ही स्वादिष्ट और आलू और पालक का सब्जी बनाने जा रही हूँ। देखिए, एक मुट्ठा पालक है और दो आलू हैं। मैं इसी का सब्जी बना रही हूँ। देखिए, मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। मैं आलू को तो मेरा भून लेना है आलू, अब उनके निकाल लेना है। अब पालक के लिए मैं पानी बिठा देती हूँ थोड़ी सी गर्म होने के लिए। वैसे मैं पालक धो ली हूँ, अब पालक को थोड़ी सी मैं भाप लगा दूंगी। देखिए, आलू मेरी भुना गई है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। देखिए कितना बढ़िया सुनहरा भुनाया हुआ है। इसी तरह से आलू को भून लेना है खूब अच्छी से। मेरी तेल थोड़ी सी ज़्यादा है, मैं इसे थोड़ी कम कर लेती हूँ। बनाऊंगी। अब मैं यहाँ पर फूरन डाल रही हूँ थोड़ी सी। एक कटा हुआ प्याज, एक छोटी सी टमाटर, थोड़ी देर में थोड़ी प्याज लाल हो जाएगी तब। मैं यहाँ थोड़ी सी कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। ये मिर्चा है, काट के मैं रखी थी, वही मैं डाल दे रही हूँ। थोड़ी सी प्याज को लाल भूनना है। देखिए सुनहरा होने तक थोड़ी सी कम से कम, ताकि अच्छी इसमें सब्जी में खुशबू आ जाए। मेरी प्याज लाल हो गई है, मैं यहाँ पे थोड़ी सी लौंग और इलायची डाल देती हूँ ताकि खुशबू आए खूब बढ़िया। देखिए टमाटर में डाल दे रहे हैं। मैं यहाँ थोड़ी सी डाल रही हूँ, एक चम्मच करीब लहसुन मिर्चा अदरक पिसी हुई है, मैं इसे डाल दे देती हूँ। यहाँ मैं हल्दी डाल दूंगी एक चम्मच, नमक स्वाद अनुसार डालूंगी। मैं यहाँ थोड़ी सी मैगी मसाला डाल दे रही हूँ ताकि मेरी सब्जी में स्वाद बढ़िया आ जाए। मैगी मसाला डालने से कोई भी चीज़ में डालते हैं तो स्वाद ज़्यादा बढ़ जाती है। मैगी मसाला भुना गई है, देखें ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ी हल्की सी मसाला भून जाए। देखिए तेल छोड़ दी है मेरी मसाला, मैं आलू डाल देती हूँ। बढ़िया लग रही है, मेरी पालक भी उबल चुकी है,
हल्की सी मैं उबाल ली हूँ। ये देखिए मेरे पालक उबल गई है, मैं दाल दे रही हूँ इसे। इसमें ये पालक मैं सारा डाल दूंगी। और अगर पानी का जरूरत पड़ेगा तो मैं यही पालक का साग का पानी ही डालूंगी। इस तरह से अगर पालक का बना के खा के देखिएगा तो बहुत ही टेस्टी लगती है। अब बार बार पालक और आलू का सब्जी बना के खाने का मन करेगा अगर आप इस तरह से बनाते हैं। मैं पालक का पानी भी थोड़ा डाल देती हूँ और थोड़ी देर के लिए मैं ढक के पकने देती हूँ। देखिए मैं डाल दी, बहुत ही टेस्टी सब्जी लगती है। देख सकते हैं मैं सारा पानी डाल दे रही हूँ क्योंकि पानी में इसकी विटामिन चली गई है, इसलिए मैं सारा पानी डाल दी। अब मैं फुल आंच पर थोड़ी देर, कम से कम 15 मिनट से आधे घंटा तक मैं पकाऊंगी इसको, सारा पानी सूख जाएगी। मैं ढक दे रही हूँ। देखिए मेरी सब्जी आलू पालक तैयार हो गई है। इस तरह से अगर सब्जी आप बना के खाइएगा तो बहुत ही टेस्टी लगती है, हेल्दी सब्जी है। आप भी बनाइए और आप भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। मैं अब इसको खाली कर लेती हूँ, सकते हैं बहुत ही बढ़िया लगती है। देख सकते हैं मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई है। कैसा लगा सब्जी, आप भी बना करके हमें बताइएगा कैसा लगा सब।